हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आ चुकी हूँ फिर से आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है असम पुलिस में कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। ऑल इंडिया के मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि आप बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब कहीं के कैंडिडेट हो, असम पुलिस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है, उसके लिए आप एलिजिबल रहने वाले हो। तो चलिए, इसके रिगार्डिंग अगर आप इच्छुक हो जानने के लिए कि क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज की लिमिट, एग्जाम पैटर्न, तो कंप्लीट डिटेल में मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर वॉच करना। चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो की डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, असम पुलिस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट से पहले देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कैसे सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 84 सीट्स है, ओबीसी या एमओबीसी के लिए 65 सीट है, एससी के लिए 17 एंड एसटीपी के लिए 25 और एसटीएच के लिए 78। ओवरऑल अगर नंबर ऑफ पोस्ट पे बात करें, 269 सीट्स के लिए ये आपकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि एज की लिमिट क्या रहने वाली है। पहले तो ये देखेंगे कि कब से हमारा एज कैलकुलेट होगा। योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जनवरी 2024, मतलब 1 जनवरी 2024 के अनुसार 18 से 40 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है सभी एलिजिबल रहेंगे। मींस कि 18 टू 40 इयर्स एज की लिमिट है। अब देख लेते हैं, रिलैक्सेशन भी मिलता है एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। ओबीसी को 3 इयर्स का और एससी एसटी को मिलता है 5 इयर्स का। अब रही बात की क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगी। सिंपली जिन्होंने 10th पास कर रखा है सभी कैंडिडेट्स इलिजिबल रहने वाले। डजंट मैटर 10th का क्या परसेंटेज है, आपने बस पास कर रखा है तो आप इलिजिबल हो इसके लिए। चलिए देखते हैं कि अब आपका फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, ये अप्लाई करने का जो डेट है ना, ऑलरेडी आपका ये फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। 1st ऑफ फेब से ये अप्लाई हो रहा है और लास्ट डेट 15th ऑफ फेब 2024 रहने वाला है। बट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 15th फेब। जितना जल्दी हो सके आप, अगर आप इच्छुक हो, इलिजिबल हो, तो फॉर्म अप्लाई कर दो। बाद में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा सब एक टाइम पे अप्लाई करने लग जाते हैं तो सर्वर इशू हो जाता है, फिर बहुत दिक्कत होता है फॉर्म अप्लाई करते टाइम। अब देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा। किसी भी कैटेगरी से यहाँ पर कोई फीस नहीं लिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। 0 रुपीज फॉर्म फीस है। तो आप जितना जल्दी हो सके, अब तो और मोटिवेशन आ गया होगा ना, फॉर्म की फी भी नहीं ली जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहेगी। योर सिलेक्शन इज डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस। पहले स्टेज पे रिटन एग्जाम होगा, मतलब कि ऑफलाइन पेपर होगा। उसके बाद होता है आपका फिजिकल, देन होगा मेडिकल और लास्टली आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेज पर जो रिटन एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न है। फ्रेंड्स, आपको पहले बता दिया है कि ऑफलाइन पेपर होगा। तो ऑफलाइन होगा इसका मतलब ये हुआ कि असम में ही डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम का सेंटर होगा। तो ऑल इंडिया में आप कहीं से भी अप्लाई करते हो तो ऑफलाइन है, तो असम में जाके ही आपको एग्जाम देना होगा। चलिए अब देख लेते हैं कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के लिए। टाइम 1 आवर का रहेगा। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो एक प्लस पॉइंट आपको ये भी मिल रहा है। अब सब्जेक्ट वाइज अगर देखें तो इंग्लिश से होंगे 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स को कंबाइन करके 25 क्वेश्चन। तो देखिए, जनरल नॉलेज में ये भी हो जाएगा कि असम स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट है, तो असम से जो रिलेटेड जीके जीएस होगा उसको भी आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछेगा। और जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे देन आपका फिजिकल होता है। तो आइए देख लेते हैं डिटेल वे में कि क्या आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके हाइट की मेजरमेंट होगी। मेल कैंडिडेट का मिनिमम हाइट जो है 162.56 सेंटीमीटर है, एसटी कैंडिडेट के लिए 160.2 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 154.94 है मिनिमम और एसटी कैंडिडेट फीमेल्स के लिए 152.40 सेंटीमीटर। आई होप हाइट क्लियर हो गया होगा।
देन चेस्ट की मेजरमेंट जो होती है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 80 to 85 सेंटीमीटर, मतलब कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स का 78 to 83, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर ही एक्सपेंशन रहेगा। उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग जंप होता है मेल कैंडिडेट के लिए 335 सेंटीमीटर का रहेगा और 3 मौका आपको दिया जाएगा उसको क्लियर करने का। फीमेल्स के लिए 224 सेंटीमीटर है, इसमें भी आपको 3 चांसेस मिल जाएंगे क्लियर करने के लिए। उसके बाद लास्टली आपका पीईटी में एक तो लॉन्ग जंप हो गया, उसके बाद रनिंग होता है। रनिंग होगा आपका 3200 मीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, जिसको 14 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग है और उनको 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। तो ये क्लियर करने के बाद, ये भी जब क्लियर हो जाता है, फिर आपका डीवी मेडिकल होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि असम पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, तो असम में स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगहों पे थाना में आपका पोस्टिंग हो सकता है। अब पोस्टिंग होगी तो कुछ सैलरी भी मिलेगी, तो चलिए देख लेते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 14,000 होती है, आफ्टर पर अलाउंसेस पर मंथ की सैलरी 60,500 रुपीज हो जाती है। और इसका जो नोटिफिकेशन है ना फ्रेंड्स, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ, तो उसमें भी आप ऑफिशियली सैलरी वगैरह और जो कुछ भी मैंने डिटेल बताया वो आप देख सकते हो। और अगर कहीं पर भी उसके बाद भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड आई होप कि सारा कुछ जो मैंने बताया आप समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक रीच करे। तो चलिए मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।